आज हम बनाने जा रहे हैं टी टाइम के लिए बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लहरिया समोसा। इसे बनाना बहुत ज़्यादा आसान है। चलिए फिर बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम एक बाउल में लेंगे 1 कप मैदा, उसमें डालेंगे स्वाद अनुसार नमक, साथ ही में डालेंगे आधी छोटी चम्मच अजवाइन, 2 से 3 बड़े चम्मच ऑयल, और इन सभी चीज़ों को अच्छी तरीके से मोइन करेंगे। तो यहाँ पर हम सभी चीज़ों को अच्छी तरीके से मोइन कर रहे हैं। मोइन करने के बाद अब हम इन सभी चीज़ों को एक साथ इस तरीके से मुट्ठी में अपनी बांध के देखेंगे, और अगर ये चीज़ें बंद रही होंगी तो उस हिसाब से जो हमारा मोइन है, जो हमारा तेल है, वो काफ़ी है। अगर बंद नहीं रही हैं तो हमें थोड़ा सा और तेल डालने की ज़रूरत है। और ऐसा करने से क्या होता है ना, जो हमारे समोसे हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे बनते हैं। तो चलिए आप लोग देख सकते हैं हमारा जो आटा है वो तो अच्छी तरीके से मतलब मुट्ठी में बंध रहा है, तो हमें तो और ज़्यादा मोइन करने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए फिर हम आगे के स्टेप्स पर बढ़ते हैं। तो बस अब हम इस पर थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और इसका एक टाइट आटा गूंद करके तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारा टाइट आटा रेडी है। तो चलिए अब हम इसे आराम से 15-20 मिनट के रेस्ट के लिए छोड़ देते हैं। तो अब हम लेंगे कढ़ाई, उसमें ऐड करेंगे 2 बड़े चम्मच ऑयल, साथ ही में ऐड करेंगे आधी छोटी चम्मच जीरा, उसे हल्का सा पकाएंगे। फिर हम इसमें ऐड करेंगे 2 चम्मच बारीक कटी हुई हरी मिर्ची, साथ ही में ऐड करेंगे 1/2 कप बारीक कटी हुई प्याज, और प्याज को हल्का गुलाबी होने तक पकाएंगे। तो बस यहाँ पर हमने प्याज डाल दिया, तो बस अब हम इसे हल्का गुलाबी होने तक पका लेते हैं। तो यहाँ पर जो हमारी प्याज है वो पक चुकी है, तो अब हम इसमें ऐड कर देंगे 1/2 कप हरी मटर, और अब हम इसे हल्का हल्का सा पकाएंगे, और पकने के बाद हम इसे मैश करेंगे। तो यहाँ पर हमारी मटर जो है वो पक चुकी है और सॉफ्ट भी हो गई है, तो बस अब हम इसे हल्का हल्का सा मैश कर लेते हैं। मैश करने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 छोटी चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, 1/2 छोटी चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 छोटी चम्मच अमचूर पाउडर, और 1 कप उबले हुए आलू, मैश करे हुए आलू। और उसके बाद अब हम इन सभी चीज़ों को मिक्स कर देंगे, और इसके ऊपर डालेंगे हम 1/2 कप बारीक कटा हुआ छोटे छोटे क्यूब्स में कटा हुआ पनीर, और गार्निश करेंगे थोड़े से फ्रेश बारीक कटे हुए धनिया पत्तों के साथ, और इन सभी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पर हमारी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी समोसों की स्टफिंग रेडी है। तो बस अब हम लेंगे 2 चम्मच मैदा, उसमें डालेंगे 2 से 3 चम्मच पानी, उसका एक घोल बना करके रेडी कर लेंगे, और इस घोल को हम समोसे चिपकाने के लिए यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर जो हमारा डो है वो सेट हो चुका है, तो उसमें से लेंगे हम एक लोई और उसे बेलना शुरू करेंगे। तो बस जैसे हम नॉर्मली समोसे के लिए लोई बेलते हैं जो लंबी, वैसे ही बेल लेंगे और उसे बीच में से कट करेंगे। अब वैसे तो हम नॉर्मली 2 लोई मतलब 1 लोई से 2 समोसे बनाते हैं, पर हम इसमें 1 लोई से 1 ही समोसा बनाएंगे। तो हम एक पार्ट को कुछ इस तरीके से कट कर लेंगे जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं। फिर जो हमारा दूसरा पार्ट है जैसे हमने कट नहीं करा है, उसे इस कट करे हुए पार्ट में जोड़ देंगे, और फिर जैसे हम सिंपली समोसा बनाते हैं उसी तरीके से बना लेंगे। इससे क्या होगा, जो हमारी जो फ्रंट साइड है उसमें ये कट वाला डिज़ाइन आ जाएगा, और इसी को कहते हैं लहरिया समोसा। तो बस यहाँ पर हम जैसे इसे समोसे के लिए फोल्ड करते हैं वैसे ही हमने इसे फोल्ड कर लिया है। तो अब हम इसके अंदर भर देंगे अपनी टेस्टी सी स्टफिंग, और उसके बाद अब हम इसे पैक कर देंगे। पैक करने से पहले जो हमने घोल बनाया था उसे भी लगा लेंगे, ताकि ये जो हमारे समोसे हैं वो खुले ना। तो बस यहाँ पर हमने इसे अच्छी तरीके से पैक कर दिया है, और यहाँ पर हमारा समोसा रेडी है। चलिए इसी के साथ हम आपको एक रिंग समोसा बनाना भी सिखा देते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, एक लोई लेनी है, उसे गोल बेलना है। गोल बेलने के बाद जो हमारे साइड है ना उसमें एक लेयर इस स्टफिंग की लगानी है, फिर जो हमारी स्टार्टिंग है ना हमारी राउंड वाली जो हमने बेल करके तैयार करा है उसकी उसकी स्टार्टिंग से हम इसे थोड़ा सा रोल करेंगे 1 से 2 बार। उसके बाद आगे जितना भी पार्ट बचेगा उसमें कट लगा देंगे जैसे हमने पहले लगाए थे, और कट हम कुछ ऐसे लगाएंगे मतलब वो नीचे पूरे कट भी ना हो ऊपर भी पूरे कट ना हो, इससे जो
हमारी कट है वो बीच ही बीच में रहेंगे, फिर हम इसे पूरा रोल कर देंगे और एजेस को कट कर देंगे, और जो हमारे कॉर्नर्स हैं दोनों साइड के उन्हें ज्वाइन कर देंगे। तो यहाँ पर हमारा बन जाएगा रिंग समोसा। तो यहाँ पर हमारे दोनों तरीके के समोसे बन करके रेडी हैं। तो आपको इन दोनों में से कौन सा समोसा सबसे ज़्यादा पसंद आया मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। तो बस अब हम अपने समोसों को फ्राई कर लेंगे और फिर हो जाएंगे हमारे गर्मा गर्म समोसे रेडी। तो हम इन्हें लो फ्लेम पे, लो टू मीडियम फ्लेम के बीच में फ्राई करेंगे। इससे क्या होगा, ये इनमें अच्छा एक गोल्डन ब्राउन कलर आएगा और ये अंदर तक भी अच्छी तरीके से कुक हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमारे टेस्टी टेस्टी समोसे रेडी हैं। तो कैसी लगी आप लोगों को ये आज की रेसिपी, और इन्हें आप टी टाइम में बना करके खा सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आई हो सो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।